ये राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार निजी क्षेत्र के अंदर कृषि उपज मंडी की स्थापना का है। इसके अंदर व्यापारियों को और किसानों को तुरंत ऑनलाइन भाव वगैरह सुविधा के मार्फत से व्यापार की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर 24 घंटे इसके अंदर बड़ी LCD पे ऑनलाइन भाव वगैरह अवेलेबल होंगे। व्यापारी इस यहाँ पर इसके अंदर सहज व्यापार के लिए वाईफाई जोन भी बनाया हुआ है। व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर रेस्ट हाउस, डिस्पेंसरी और स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह की सुविधा प्रदान की गई है। किसान वगैरह के लिए कोई परेशानी नहीं रहे, इसके लिए किसानों को और व्यापारियों को अंबेडकर सर्कल से लेकर के कृषि उपज मंडी तक 5 साल तक के लिए हर आधा घंटा पे निःशुल्क इसके अंदर सिटी बस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। व्यापारियों के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू वो मंडी के ऑनलाइन रिटर्न वगैरह सब बना सकेंगे। सारा मंडी के रिटर्न बीज वगैरह यहीं पर एकत्रित होगी, जो कि आगे राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। निजी मंडी होने से ये होगा कि अभी बाड़मेर के अंदर करीब 2000 लाइसेंस होल्डर है, ट्रेडर्स हैं, लेकिन उनको अभी व्यवसाय का स्थल पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो रहा। निजी मंडी आने से उनको व्यवसाय के उपलब्ध स्थल उपलब्ध हो जाएगा, लोग इसके अंदर यहाँ पर दुकानें वगैरह इसके अंदर अलॉट करवा पाएंगे। दूसरा, जब कई दुकानदार उपलब्ध होंगे एक ही मंडी क्षेत्र के अंदर, तो व्यापारियों के आपसी कंपटीशन की वजह से किसानों को बेहतर भाव मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर सारे के सारे भाव ऑनलाइन जो 12x14 की डिस्प्ले स्क्रीन पे रहेंगे, तो किसान खुद भी देख सकेंगे कि अभी क्या भाव चल रहे, तो कोई भी व्यापारी किसी भी किसान को बरगला भी नहीं पाएगा। तो इस ढंग से पूरे अत्याधुनिक जो भी संसाधन है उसके योगदान से किसानों को पूर्णतया फायदा रहेगा। हाँ, पूरा वाईफाई जोन क्रिएटेड होगा और बैंकिंग के सुविधा के लिए ही वहाँ पर ई लॉबी का ही प्रावधान रखा गया है, जिसमें से इसके अंदर दो बैंक तो अपने स्वयं की ई लॉबी लगा पाएंगे। अन्य बैंक ATM के अंदर भी अगर ई लॉबी के टाइप के अगर फैसिलिटी चाहेंगे तो उनको भी ई लॉबी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कैशलेस करने के पर्पज से ही इसके अंदर दो बैंकों का भी प्रावधान लिया गया है। तो जब वहाँ पर सारी सुविधा एक ही जगह होगी, जब इसके अंदर वाईफाई जोन होगा, ट्रांजेक्शन ईजी होगा, तो इसके अंदर व्यापारी भी इस तथ्य को आराम से इसके अंदर अपना पाएंगे और किसानों के खाते में पैसा आता ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें जो भी इसके अंदर मंडी फीस वगैरह लगेगी, जो राजस्थान सरकार के नियम में जो सरकारी मंडी के अंदर लगेगी वो ही इसके अंदर फीस लगेगी, उससे अलावा अतिरिक्त कोई भी फीस नहीं लगेगी। उल्टा यहाँ पे जो व्यापार करेंगे उन व्यापारियों को हम जो दूसरी से एम्यूनिटी जो सुविधाएं प्रदान करेंगे वो सरकारी दरों से 10% कम पे प्रदान करेंगे, इससे व्यापारियों के उल्टे खर्च कम होंगे और व्यापारियों के खर्च कम होंगे तो वो किसानों को बेहतर इसके अंदर रेट प्रदान कर पाएंगे। जो किसान व्यापारी से सामान खरीद करके जाएंगे अपनी आवश्यकता का, जब उनके खर्चे कम होंगे तो व्यापारियों की लागत कम हो जाएगी। इसी ढंग से इसके अंदर जब व्यापारी के खर्चे कम होंगे तो वो उनको बेहतर रेट भी प्रदान कर पाएंगे। इस संबंध में क्या है कि हमारे मंडी की कंट्रोलिंग मंडी बाड़मेर कृषि उपज मंडी समिति है, उस कृषि उपज मंडी समिति को हम वहाँ पे ऑफिस इसके अंदर फर्निस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी की जो भी अगर कोई ग्रीवेंसेज होती है तो वो इसके अंदर मेन मंडी के अंदर भी अपनी ग्रीवेंसेज डाल सकता है, उसके वहाँ उस स्तर पर भी इस तथ्य की भी सुनवाई होगी। हमारा इस मंडी के अंदर जो मौजूदा नियम है उस मौजूदा नियम के मुताबिक ही इसके अंदर कर संग्रहण करके प्रेषित कर देगा। हम अपनी तरफ से कोई भी इसके अंदर टैक्स वगैरह इसमें किसानों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, न ही डाल रहे हैं, तो इस वजह से इसके अंदर किसानों को इस तथ्य के संबंध में कोई भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है कि इसमें निजी मंडी के होने की वजह से उनको सही गलत टैक्स लिए जाएंगे, सही ढंग से उनको भाव नहीं मिलेंगे, वो तथ्य नहीं रहेगा। ये मंडी अपने आप में एक मॉडल मंडी होगी। मेरी ये धारणा है कि मंडी भी मॉल की तरह हो सकती है, उस सपने को मैं पूरा साकार करके दिखाऊंगा। अगले साल ये स्थिति होगी, राजस्थान सरकार कहीं पर भी अगर कोई भी मंडी स्थापित करना चाहेगा करेगा तो सबसे पहले यही तथ्य रखेंगे कि बाड़मेर की VSK दौरा करके आए, बाड़मेर की VS कृषि उपज मंडी में जो सुविधा है वही सुविधाएं प्रदान करें। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, यहाँ के किसान और व्यापारी और जो विशेषकर बॉर्डर क्षेत्र से संबंधित है उनको सभी को एक नया मार्केट उपलब्ध होगा। ये हमारी वेंचरशिप है और जो हम खुद व्यापार करते हैं, व्यापार के अंदर व्यापारी की जो समस्याएं वगैरह देखते हैं, उन समस्या जैसे मैंने पहले भी ये ब्रीफ किया था कि जो जो समस्याएं देखी, जो जो व्यापारियों के सुझाव आए उसके मुताबिक सारी सुविधाओं को लेकर के सम्मिलित करते हुए इसका स्थापना कर रहे हैं।